सत श्री अकाल जी। प्रवासी टीवी देख रहे सारे ही दर्शकों का असी बहुत बहुत स्वागत करते हाँ। तो अज के इस खास प्रोग्राम च असी जिहड़े खास मेहमान नाल तुहानू मिलाउन जा रहे हाँ, उन्हें ब्रैम्पटन नॉर्थ तो NDP दे कैंडिडेट संदीप सिंह। जिवें कि असी सारे जानते ने कि ओंटारियो चो 2022 दे प्रोविंशियल इलेक्शंस होन जा रहे ने, ते June 2 नू तुसी सारिया ने वोट पा के अपनी पसंदीदार पार्टी का चोन करना है। यही सिलसिले च आओ गल करिए ब्रैम्पटन नॉर्थ तो NDP दे कैंडिडेट संदीप सिंह नाल। अ वेरी वॉर्म वेलकम सर। थैंक यू जी। थैंक यू तुहाडा बाबा, तुसी स्रोतियां दे रूबरू कीता आ, एंड मीडिया बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स आ जिहदे थ्रू सारी इंफॉर्मेशन जाती है। जिवें तुसी कहा कि हरेक रेजिडेंट नूं अपना वोट दा अधिकार दा इस्तेमाल करना चाहिए, एंड इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि 2 तरीक नूं जो इलेक्शन होने जा रही है, सारे जने बाहर आओ, जिहड़े भी तुहाडे कैंडीडेट तुहानूं पसंद है उन्हां नूं वोट पाओ। आई वुड प्रेफर कि तुसी NDP नूं पाओ, बट किसे भी वोट दा अधिकार दा पूरा इस्तेमाल किया जाए जी। ते वी आर सो क्लोज टू द पोलिंग डे, एंड आई थिंक एवरीबडी नोज कि NDP दे की ओ की फीचर्स ने, केड़े इशूज़ ने जिते तुसी फाइट कर रहे हो, बट किसे नू आई डोंट थिंक इन्ने लोग ने जिन्हां नू तुहाडा फैमिली दा बैकग्राउंड पता है या तुहाडी जर्नी, पोलिटिकल जर्नी पता है। तो थोड़ा जिहा दसो कि तुसी पोलिटिक्स किवें आए हो, ते वट वॉज दैट वन थॉट दैट मेड यू एंटर पोलिटिक्स? So, मेरा जन्म कैनेडा दे विच होया, मॉन्ट्रियल दे अंदर। आई वॉज बॉर्न इन क्यूबेक, मॉन्ट्रियल। ते उस तो बाद चो आई हैव स्पेंट मोस्ट ऑफ माई लाइफ इन ब्रैम्पटन। आई एम अ डबल मास्टर डिग्री होल्डर, आई एम हैप्पीली मैरिड, आई हैव 3 kids, एंड द रीज़न आई एम रनिंग इज आई एम रनिंग फॉर माई किड्स, आई एम रनिंग for my family, I'm running for my neighbors, I'm running for Brampton. During the pandemic, asi dekhya ki health infrastructure da kinna bura hal hai, and pandemic duran kisnu directly kisnu indirectly ida asar hoya hai. Mere kafi kareebi dost jo ki pichle lambe samay ton baithte ne, unna de father saab इस पैंडमिक दे विच पूरे हो गए, एंड ही डजंट नो दैट, वो अजे तक उन्होंने हालत चंगी नहीं हैगी। एंड द मेजर रीज़न वॉज कि ब्रैम्पटन के हस्पताल का कारण जिहड़ा हाल आ वो किस तो नहीं लुकया। आई केम टू पॉलिटिक्स बिकॉज कि मैं 19 साल दियां सरकारां तो दुखी हो गया सी। ताइयों मैं जदों डोरस ते भी जांदा आ, आई टेल दैम लाइक आई एम वन ऑफ यू, आई एम नॉट अ ट्रडिशनल पॉलिटिशियन। मेरे प्यो दादे कोई भी सियासत च नहीं सके। मैं इस इसलिए आया क्योंकि सानू 19 साल दियां सरकारां ने फेल किया। 19 साल दे विच साढ़े कोले 7 लाख की आबादी वास्ते 1 हस्पताल आ। 19 सालों दे विच साड़ी ऑटो इंश्योरेंस दियां प्राइसेस उपर ही उपर जा रही ने। 19 सालों दे विच मेरे बच्चों जो एजुकेशन मिलनी चाहिए आ वो नहीं मिलती पी। साड़ी क्लास के साइज़ जिहड़े वो वधदे ही जा रहे ने, वधदे ही जा रहे ने, एंड दैट्स द रीज़न कि मैं अपना नाम जिहड़ा आ वो अगे रखिया। एंड मैं बहुत बहुत धन्यवादी हाँ ब्रैम्पटन नॉर्थ दे रेजिडेंट्स का, जिन्होंने मैनू नॉमीनेशन जिता के इलेक्शन रन करन दा मौका दिता। एंड आई एम प्रीटी पॉजिटिव कि 2 तरीक नू एक जरा रिजल्ट्स भी आएंगे वो आम लोगों के हक च आएंगे। NDP आम लोगों की पार्टी है, NDP आम लोगों के इशूज़ नू रिजॉल्व करना चाहती है। असी सल्यूशनस जड़े ने, जिवें तुसी बाकी पार्टीज़ का देखो, 2013 दे विच आई रिमैंबर ऑटो इंश्योरेंस का मुद्दा सी। ऑटो इंश्योरेंस लई लिबरल्स ने कहा कि असी ऑटो इंश्योरेंस नू डिक्रीज़ करांगे, बाद चो उन्हूं स्ट्रैच्ड प्रोमिस ना देता, असी करके दिखाया है। जदों कहिंदे ना कि पॉसिबल नहीं है, असी साडी सरकार मैनीटोबा च आई असी इंश्योरेंस ते काम करके दिखाया, साडी सरकार BC च आई असी इंश्योरेंस ते काम करके दिखाया। अगर असी मैनीटोबा ते BC च काम कर सकते हैं तो असी ओंटारियो च भी कर सकते हैं। वट वी आर आस्किंग फॉर इज वन चांस, जो 19 सालों च नहीं होया वो अगले 4 सालों च होएगा जी। ते असी वेखे कि एडवांस पोलिंग स्टार्ट हो गई सी, लेकिन इन्ना इन्ने लोग बाहर आके उन्होंने वोट नहीं पाए, तो ये कितने ना कितने रूलिंग पार्टी नू फेवर करती है, तो वॉट आर योर व्यूज ऑन दैट? आई थिंक इलेक्शंस नू इस तरीके नाल डायग्नोज करना
शायद सही नहीं है। आई फील कि फायदा आम बंदिया का होना चाहिए, जिहदी मर्जी सरकार बने, कंजरवेटिव दे बने, एनडीपी दे बने, चलो तीसरी तो लड़ाई च नहीं हैगी, बट जिहदी मर्जी सरकार बने, एट द एंड द पर्पस इज टू सर्व द कम्युनिटी। और लोगों के काम होने चाहिए, लोगों के इशूज रिजॉल्व होने चाहिए, जिन्हों के उत्ते लोग अपना भरोसा जतानगे उन्होंने दो तरीक न जता देंगे। सो दैट्स द आई थिंक दैट्स वट आई थिंक द पॉइंट इज कि इस टाइम मैं कहना कि भावें कि पोल्स वगैरह नंबर्स मेरे अगे हो सकते हैं, पर एक्चुअल जरा पोल आ वह दो तरीक का आ। सो जिन्होंने अज तक नहीं वोटा पाइया, मैं उन्होंने गुजारिश करूँगा कि वह जरूर बाहर निकलन दो तरीक न अपनी वोट के अधिकार का इस्तेमाल कर, जिहड़ा कैंडीडेट उन्होंने सूट करता है उसली वोट पा के उन्होंने क्वींस पार्क पहुँचा, सो डैट उन्होंने मुद्दे क्वींस पार्क के उठाए जा सकन। जी, तो तुसी भरोसे की गल की, तो ओंटारियंस ने लिबरल्स से भी भरोसा किया है तो कंजरवेटिव्स से भी किया है, तो दोनों ने ही अपने प्रोमिसेस फुलफिल नहीं किए ने। सो वॉट इज इट इन एनडीपी दैट द ओंटारियंस शुड ट्रस्ट एनडीपी? सो एज आई सेड बिफोर कि एनडीपी आम लोगों की पार्टी है। सो जिमें मैं तुम्हें एक एग्जाम्पल दी ऑटो इंश्योरेंस की, उसी तरीके हेल्थ केयर की एग्जाम्पल, हेल्थ केयर के जो मैं इलेक्शन रन कर रहा, मेरा जिहड़ा इलेक्शन्स आउन दा ही वड्डा कारण आ वो हैल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर नूं इंप्रूव करना है। अगर कि ना साडे असीं अपना 400 सीरीज़ का हाल देखिए, 19 सालों के विच साडियां सरकारां नूं इन्नी नज़र आया कि साडे जिहड़े हाईवेज़ ने वो ब्लॉक हो रहे हैं, साडे पैसे नाल बने हुए हाईवेज़ कंजरवेटिव्स प्राइवेटाइज करते रहे, लिबरल्स हाइड्रो नूं प्राइवेटाइज करते रहे। सो दैट मीनस कि जिहड़ियां साडियां चीज़ां ने जिस विच तुहाडा टैक्स का पैसा, मेरा टैक्स का पैसा, स्रोतियां का पैसा, वो सारा जिहड़ा है वो वेस्ट हो रहा है। वह ऐसा हाईवे का ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर आ जिहदे उत्ते जहाज लैंड करते पे ने, लाइक असी घरे भी कोई चीज़ लैके आईए, कोई कपड़ा तक भी खरीदिए डॉलर का, उन्होंने भी चंगी तरह यूज़ करते हैं। इतने असी बिलियनस ऑफ डॉलर ला के उन्होंने खाली छड़ता कि कोई चक्कर नहीं है। हुण असी कह रहे हैं कि असी 10 साल बाद तुहानू कोई चीज़ देवांगे जिहड़ी इहदी रिप्लेसमेंट होगी। वाई टू रिप्लेस दैट जदों तुहाडे कोल ऑलरेडी वो चीज़ हैगी आ, तो उन्होंने इस्तेमाल क्यों ना किया जाए। द पॉइंट इज़ कि लोगों को एनडीपी के उत्ते भरोसा इसलिए करना चाहिए क्योंकि एनडीपी ने ऑपोजिशन का रोल निभाया पिछले 4 सालों के विच। हिस्टोरिकली तुसी चैक कर सकते हैगे कि जिन्नी वारी साड़ी टीम ने, गुरतन सिंह होना ने, सारा सिंह होना ने हेल्थ केयर का मुद्दा, ऑटो इंश्योरेंस का मुद्दा क्वींस पार्क च उठाया, तो जिनी तह दिली नाल, जिनी जोर दे नाल उन्होंने क्वींस पार्क च आवाज उठाई आ, उन्नी जोर दे नाल कभी भी होर ऑपोजिशन ने काम ही नहीं किया हैगा। ऑपोजिशन जिहड़ियां उत्थे फ्रेंडली मैच खेलदियां रहियां ने, हुण भी तुसीं देखो स्कारब्रो दे विच की होया कि कंजरवेटिव दा जिहड़ा एक नाम है एम पी सीगे और लिबरल्स की शरेआम नाल खड़े हुए हैं। सो इट शोज़ कि लिबरल्स एंड कंजरवेटिव जो है फ्रेंडली मैच खेलते हैं। असी वी डोंट केयर कि कौन कि फ्रेंडली मैच खेल रहा, कौन की कर रहा, कि वड्डिया कारपोरेशन लिया, कि वड्डिया कंपनियां लिए काम करते हैं। एनडीपी आम बंदे लिए काम करती है और इसलिए असी आम बंदे तो भरोसा करते हैं कि उन्होंने कोल एनडीपी तो अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है। असी पेंडेमिक देखिया कि डगफोर्ड साहब ने वड्डिया कंपनीज़ को बिलियनस ऑफ डॉलरस दिते, पर मेरे तो ते अर्ग्या $5 तक भी सपोर्ट नहीं की गई हैगी। सो दैट्स द प्रॉब्लम, दैट्स द प्रॉब्लम कि वो व्डिया व्डे घरान काम करते हैं, असं थोड़े लिए काम करा। जी, तो तुसी हाईवे 407 की गल की है, बट ग्रीन पार्टी ने क्लेम किया है कि उन्होंने ऑलरेडी एनडीपी तो पहला सेम स्टेटमेंट रिलीज कर दी सी। सो वॉट इज़ योर टेक ऑन इट कि एनडीपी नो आइडिया ग्रीन पार्टी तो मिले है या तुहाडे पहला तो प्लानिंग सी? सो इस दे विच आई थिंक कि आइडियाज़ किस तो पहला मिले किस तो बाद चो मिले वो मैंने नहीं रखता। वैसे मैनू तुहाडे तो ही पता चल रहा है कि ग्रीन ने यह गल कही हैगी, अगर उन्होंने कही आ तो कॉन्ग्रैट्स। जो असं क्वींस पार्क च गए, अगर उन्होंने एक अद्धी भी कोई सीट आ गई तो उन्होंने साड़ी सपोर्ट करनी चाहिए हैगी है कि हाँ 407 जिहड़ा है ट्रैकर्स लिए फ्री करना चाहिए है। पॉलिटिक्स तो हट के जे मैं तुहाडे तो पुछा कि वो केड़ा एक प्रोफेशन है जिदे च तुसी अपने आप नू वेखदे हो? सो मैं मेरी दोनों मास्टर्स जी ने एम बी ए च ने, सो एक एम बी ए इन हेल्थ केयर सर्विसिज आ, दूसरी मास्टर्स इन हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन आ।
जिहड़ा मेरा कोर आ वह मार्केटिंग आ। मैनू लोगों जाना, लोगों को मिलना, लोगों गल् करनिया बहुत पसंद ने। और यह एक कारण आ कि मैं जो पॉलिटिक्स भी आया तो मैं औखा नहीं लग्या लोगों कम्यूट करना। मैं रोज़ सवेरे अलग अलग प्लाजा जाता हाँ, उत्थे लोगों मिलता हाँ, स्कूल जाता हाँ, उत्थे लोगों मिलता है। डोर टू डोर बहुत हैवीली कैंपेन, एग्रैसिवली कैंपेन रन करते पे है, बट मैं वो चीज़ा कर मुश्किल नहीं आ रही है। यही एक रीज़न आ कि एक नवा कैंडीडेट होंदे हुए भी जरा मैनू प्यार मिलया लोगों वालों, जरा मैनू सपोर्ट मिलती पई हैगी है। तुसी ब्रैम्पटन नॉर्थ के अगर गेड़ा मारिया हो तो तुसी देखोगे कि लोगों ने दोनों पार्टीज़ नालों वध मैनू सपोर्ट करके दिखाया हैगा। प्री इलैक्शन इलैक्शन के रिजल्ट आप देखेंगे की आते हैं। और मैं बहुत आस आ कि असी NDP की अगली सीट जी पहला ऑरेंज सी ऑरेंज ही रखांगे। सो वो एक कारण यही है कि मेरी जी इंट्रैक्शन आ जी लोगों गलबात करनी आ जो लोगों के मुद्दों की समझ आ, क्योंकि मैं उही मुद्दे मेरे ने उही मुद्दे उन्होंने होंगे ने। सो उन्हों मुद्दों नू मैं समझ के गल चक सकता है। दूजे पास जे अनफोर्चुनेटली जे दूसरे कैंडीडेट्स ने वो कभी भी पार्टी लाइन से बाहर नहीं जाएंगे। उन्होंने जदों हाइड्रो नू प्राइवेटाइज होया कभी नहीं बोले, जदों ऑटो इंश्योरेंस नू स्ट्रैच प्रोमिस किया उदों नहीं बोले। सो वो कैंडीडेट्स की एक अपना एक हिस्ट्री हैगी। आई फील कि जी मेरी हिस्ट्री, आई एम रनिंग दिस कैंपेन, आई एम रनिंग दिस इलेक्शन फॉर माई किड्स, फॉर योर किड्स, साढ़े बच्चों के भविष्य वास्ते असं इलेक्शन रन करते पे हाँ। मेरे तो थोड़े बच्चों अगर इस तरीके का एजुकेशन मिलया तो सू सोच की लड़ हैगी कि असी 4 साल की अपने बच्चों के खराब कर सकते हैं। अगर 4 साल असी होर इदा ही गलत कैंडीडेट्स को चूज़ करके जिहड़े बंदे नू उत्थे बोलना ही नहीं उन्होंने उत्थे भेजा, तो 4 साल असी अपने बच्चों के खराब करांगे, तो यह 4 साल वापस मुड़ के नहीं आएंगे। इसलिए इलेक्शन बहुत क्रूशियल आ, यह इलैक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आ। यह इलैक्शन मेरे तो थोड़े वास्ते नहीं, साड़िया अगलिया पीढ़िया वास्ते आ। सो जो वोट का वोट पा लगो उदो बस एक मिनट वास्ते अपने बच्चों की शक्ल अपने अगे लै आयो, आई गारंटी कि तुम NDP में वोट पाओगे जी। तो थोड़ी राइडिंग ब्रैम्पटन नॉर्थ की है, तो की ब्रैम्पटन नॉर्थ के की इशूज़ उही की इशूज़ ने जिहड़े ओंटारियो के एट लार्ज की इशूज़ ने? आई थिंक ब्रैम्पटन बहुत डिफरेंट शहर आ। ब्रैम्पटन नू कभी भी उहदा फेयर शेयर नहीं मिलिया। इस दे विच लिबरल्स ते कंजरवेटिव्स ते जिन्ने पुराने MPPs रहे उन्हां दी सारिआं दी नलैकी है। ब्रैम्पटन यूनिवर्सिटी मिलदी पई आ ते 2018 दे विच डगफोर्ड साहब उहनूं वापस भेज दिंदे आ, ते जिन्ने भी कंजरवेटिव दे MPPs ने चुप करके बैठे ने। आई मीन साडे हक दी चीज़ साडे कोले आ रही आ उह वापस चली गई, साडे MPPs नूं बोलना चाहीदा सी, बट दे नेवर स्टड फॉर अस। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ 7 ਲੱਖ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈਂਦਾ, ਹੈਮਿਲਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਜੋਰਿਟੀ MPPs ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ NDP ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਹਾਲ ਦੇਖੋ ਅਤੇ ਬ੍ਰੈਮਟਨ ਦਾ ਹਾਲ ਦੇਖੋ। ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਹਸਪਤਾਲ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1 ਹਸਪਤਾਲ। ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ ਕੋਲ 1 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ ਕੋਲ ਕਾਲਜਸ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1 ਕਾਲਜ। ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਅਲੱਗ ਹਸਪਤਾਲ, ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਜੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਜਨਰਲ ਹੋਸਪਿਟਲ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਲੜਨੀ ਪਈ ਹੈਗੀ, ਸਾਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 19 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਮਿਲਣ। ਸੋ ਉਹ ਕਿਉਂ ਹੈ ਇੱਦਾਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆ ਉਹ ਆਮ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆ, ਉਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇ ਉੱਠੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਨੇ, NDP ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦਵਾਏ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵਸ ਅਤੇ ਲਿਬਰਲਸ ਦੇ MPPs ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਮ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਥੇ ਚੱਕੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਸ, ਵੱਡੇ ਕਰਿਆਨਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ NDP ਇਕਲੌਤੀ ਪਾਰਟੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈਗੀ ਆ। NDP ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਕਰ ਸਕੂਗੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਤਾਂਹੀਓ ਵਾਰ ਵਾਰ ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਅਤੇ BC ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਸਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਫੈਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਪਰ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹ ਗੱਲ ਕਵੇ ਕਿ ਇਹ ਇੰਪੋਸੀਬਲ ਆ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਪੋਸੀਬਲ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੀਟੋਬਾ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ BC 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪੇ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪੇ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਘੱਟ ਪੇ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ ਕਿਉਂਕਿ NDP ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਲਿਆ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕਈ ਹੋਰ ਮੁੱਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦਾ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇਸ ਲਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ 19 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਆ।
सो इट्स हाई टाइम कि वी नीड टू रिएक्ट ऑन दिस. इट्स हाई टाइम कि यह सारे इशूज रिजॉल्व होने चाहिए ने. डेंटल केयर, फार्मा केयर, यह इशूज मैटर करते हैं हरेक बंदे नू. किसी नू कोई नहीं मैटर करता हैगा कि 10 साल बाद कोई प्रोजेक्ट आऊगा. भुख अज लगी आ, रोटी भी अज ही चाहिए आ. 10 साल उड़ीक नहीं की जा सकती. जी बहुत बहुत धन्यवाद सारे नाल गल करन लई. कोई एक फाइनल मैसेज जो तुसी वोटर्स नू देना चाहोगे? सो स्रोते बहुत सियाने आ. स्रोते जिहड़े लोग ने वह सरकारां बनाउंदे ने, वह सरकारां गराउंदे ने. वह चाहन तो किसी तख्त ते बैठा देन, ते अगर वह चाहन तो किसी सड़क ते ले आउन. सो मैं उन्हां रब वर्गे लोगों को की मैसेज दे सकदा. द ओनली थिंग आई वुड से इज कि प्लीज़ कम आउट इस टाइम जरा. लैट्स फाइट फॉर अ चेंज. असी चेंज लैके आ सकते हैं. ऐतकी जिहड़ी लड़ाई आ वह NDP अते कंजरवेटिव्स दे विचकार रह गई आ. बहुत ज़्यादा जरूरी आ कि असी आ वोट नूं डिवाइड ना हो दईए. बहुत ज़्यादा जरूरी आ कि ऐतकी जिहड़ी वोट आ वह यारी दोस्ती पिछे नहीं, वह अपने बच्चों के पिछे पाइए, वह अपने बजुर्गों के चंगे हैल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पिछे पाइए. वह असी इसलिए पाइए क्योंकि 19 सालों तो सानू जिहड़ी चीज़ा नहीं मिली ने वह हुण मिल सकदियां ने. यह जरूरी है कि असी अज रिएक्ट करिए. अगर असी अज ने एक्ट किया तो 4 साल फिर साडे कोले हैल्थ केयर कार्ड्स, एजुकेशन कार्ड्स, उही सारे रोने जिहड़े ने वह फिर आउणगे ते वह सीधा सीधा मैनू ते तुहानू इंपैक्ट करनगे. इसलिए 2 तरीक नूं आप भी बाहर निकलो, अपने गुआंढियां नूं भी बाहर कढो, अपने रिश्तेदारां नूं भी बाहर कढो, अपने दोस्तां नूं भी बाहर कढो अते उहनां सारिआं नूं प्रेरित करो कि NDP नूं वोट पाउण. जी ते ए सी साडी कॉन्वर्सेशन ब्रैम्पटन नॉर्थ तो NDP दे कैंडिडेट संदीप सिंह नाल. मिलदे हाँ अगले प्रोग्राम 'च.